जय हिंद स्टूडेंट्स. स्टूडेंट वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 12 कैन वी शेयर. ठीक है, और लास्ट वीडियो में हमने किस टाइप के क्वेश्चंस किए थे, डिवीजन विदाउट रिमाइंडर. ठीक है, जिसमें हमारा लास्ट में रिमाइंडर क्या था, जीरो था. ठीक है, एंड टुडे वी विल डू डिवीजन विद रिमाइंडर. इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमारा लास्ट में कुछ रिमाइंडर बचेगा. ठीक है, जीरो के अलावा कुछ भी रिमेनिंग होगा, मीन्स 1, 2, 3 इस टाइप से. तो डिवाइड एंड फाइंड द कोसेंट एंड द रिमाइंडर, हमें डिवाइड करना है और फाइंड करने हैं उसके कोसेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो फर्स्ट क्वेश्चन है 64 / 5. ठीक है, तो हम सबसे पहले इसे देखते हैं डिवाइड करके. ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था किस टाइप से डिवाइड करते हैं. तो सबसे पहले हम 5 के टेबल में देखेंगे, 5 1 जा 5. ठीक है, 6 से छोटा नंबर लेंगे, 5 2 जा 10 लेंगे तो वो 6 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 1 जा 5 हम लेंगे. अब हम माइनस करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है माइनस का. तो 6 में से 5 को जो हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1. अब हम इस 4 को यहाँ पर राइट करेंगे. ठीक है, अब 5 का टेबल रीड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15. तो 15 हमारा ज़्यादा हो जाएगा, 5 3 जा 15, इसलिए हम क्या लेंगे, 5 2 जा 10. ठीक है, तो माइनस करके कितना आएगा, इसमें से अगर हम इसे माइनस करेंगे, 4 - 0 = 4 एंड 1 - 1 = 0. तो हमारे यहाँ पर कोसेंट कितना आया, ये क्या है कोसेंट, तो कोसेंट इज 12 एंड रिमाइंडर को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं आर. कोसेंट को हम क्यों लिख सकते हैं एंड रिमाइंडर को आर, तो आर कितना आया हमारा, 4. रिमाइंडर इज 4. ठीक है स्टूडेंट, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज 763 / 8. अब इन्हें हमें डिवाइड करना है, देखते हैं हम कैसे करेंगे. 8 को हम यहां पर राइट करेंगे एंड 763 यहां पर हम देखते हैं. 8 से डिवाइड कराना है हमें 763 को. 8 का टेबल हम रीड करेंगे तो 8 के टेबल में 7 नहीं आएगा, इसलिए हम क्या लेंगे, 76 लेंगे. ठीक है, तो 8 का टेबल पहले हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 एंड 8 10 जा 80. ठीक है, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले 8 का टेबल राइट कर लिया. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 एंड 8 10 जा 80. ओके, तो अब हम इसे देखते हैं डिवाइड करके. तो 76 को देखना है हमें, 76 किसके बीच में आएगा, 72 एंड 80. ठीक है, इन दो नंबर्स के बीच में आएगा 76, 72 एंड 80. तो हम क्या लेंगे, हम 80 नहीं लेंगे, 8 10 जा 80 नहीं लेंगे, क्योंकि 80 क्या हो जाएगा, 76 से ज़्यादा हो जाएगा. तो 8 9 जा लेंगे हम, 8 9 जा 72. ठीक, अब हम इसे माइनस करेंगे, 6 में से 2 - 4, 7 में 7 = 0, 4 आया. अब 4 भी हमारा क्या है, 8 से छोटा है, तो हम इस वाले 3 को यहाँ पर राइट करेंगे. अब 43 देखते हैं हम, 43 कहाँ आएगा, 40 एंड 48 के बीच में. ठीक है, 8 5 जा 40, तो हम क्या लेंगे, छोटा नंबर लेते हैं. ठीक है, 43 से कम होना चाहिए, तो 43 से कम क्या है, 40. 8 5 जा 40 माइनस करके कितना आएगा. ठीक है, माइनस करेंगे जब हम 43 में से 40 को, तो कितना आएगा, 3 एंड 4 - 4 = 0. तो यहाँ पर हमारा कोसेंट क्या आया, कोसेंट इक्वल टू 95 एंड रिमाइंडर इज 3. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर. 8765 / 2. ठीक, तो इसे हमें डिवाइड करना है, तो 2 यहाँ पर राइट करेंगे एंड 8765 हेयर. अब 2 का टेबल हम रीड करेंगे. ठीक है, 8 क्या है, ग्रेटर है, 8 इज ग्रेटर देन 2. 2 4 जा 8,
माइनस करा हमने 8 में से 8 0, अब हम 7 राइट करेंगे यहाँ पर, 2 का टेबल रीड करेंगे, 2 3 6, 2 3 6, 2 4 8 नहीं लेंगे हम क्योंकि वो 7 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लेंगे 2 3 6, 7 में 6 माइनस करेंगे कितना आएगा 1। अब अगेन हम यहाँ पर 6 राइट करेंगे, ये वाला 6 हम यहाँ पर राइट करेंगे, 2 8 16, 16 में 16 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, अब हमारे पास क्या बचा 5, ठीक है, तो ये लास्ट नंबर है हमारे पास 5, वो हम यहाँ पर राइट करेंगे। अब 5 को देखते हैं हम, 2 2 4, 2 2 4, ठीक है, 2 3 6 नहीं लेंगे, 2 3 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 क्या होगा 5 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 2 2 4 तक रीड करेंगे, 2 2 4, एंड 5 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, तो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया, ये हमारा रिमाइंडर है एंड दिस इज कोसेंट, तो कोसेंट इज 4382, कोसेंट कितना आया 4382 एंड रिमाइंडर इज 1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 497 डिवाइडेड बाय 3, अब हमें डिवाइड करना है, डिवाइजर 3 है, डिविडेंड हमारे पास 497 है। नाउ जैसे हम अभी तक डिवाइड कर रहे हैं उसी टाइप से करेंगे, 4 ग्रेटर है देन 3 1 जा 3, ठीक है, 4 इज ग्रेटर देन 3 तो हम 4 लेंगे, 3 1 जा 3, माइनस करेंगे कितना आएगा 1, अब इस 9 को राइट करेंगे, 3 6 जा 18 लेंगे, 3 6 जा 18, 3 7 जा नहीं लेंगे, 3 6 जा 18, 19 से छोटा नंबर लेंगे तो माइनस करके कितना आएगा 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 एंड 1 माइनस 1 0, कितना आया 19 माइनस 18 1, अब हमारे पास एक नंबर और रहता है, दिस इज 7, 7 को भी हम यहाँ पर राइट करेंगे एंड 3 का टेबल रीड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18, तो 3 6 जा 18 क्या हो रहा है 17 से बड़ा हो रहा है, तो हम क्या लेंगे 3 5 जा 15, अब माइनस करेंगे कितना आएगा 7 में से 5 माइनस करके 2, ओके एंड 1 माइनस 1 0, तो यहां पर हमारे पास दिस इज कोसेंट, इसे हम कोसेंट कहते हैं, दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज, ये क्या है 3, दिस इज डिवाइजर एंड दिस इज डिविडेंड, तो अब हमारे पास कोसेंट कितना आया, डिवाइड करके हमारे पास आया कोसेंट इक्वल टू, हमें क्या लिखना है डिवाइड एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर, तो हमें यहाँ पर कोसेंट एंड रिमाइंडर भी राइट करने हैं अलग से, तो यहाँ पर कोसेंट आया हमारे पास 165 एंड रिमाइंडर क्या है 2, रिमाइंडर क्या है 2, सो दिस इज द आंसर, कोसेंट 165 एंड रिमाइंडर इज 2, सो नाउ स्टूडेंट्स नाउ ट्राई टू डू द गिवन एक्सरसाइज, ओके स्टूडेंट्स।